ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 है। आज हम जानेंगे कि व्रत लेना किसको कहा जाता है और व्रत लेने को दृढ़ता की शक्ति से क्या संबंध रखता है। और आइए आज इस स्लोगन के द्वारा हम पूरी तरह से व्रत लेना और दृढ़ता के द्वारा व्रत लेने की शक्ति को और बढ़ाएं। सुनते हैं आज का स्लोगन। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भगत कभी व्रत तोड़ते नहीं हैं। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता अवश्य प्राप्त होता है। और दृढ़ता का अर्थ ये है जहाँ पर संकल्पों में एकाग्रता की शक्ति हो, जहाँ पर संकल्प स्थिर हो, स्थायी हो, इसी को ही दृढ़ संकल्प कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी व्रत लेते हैं और व्रत रखते हैं। एक है व्रत लेना, दूसरा है व्रत रखना। व्रत रखना उसको कहा जाता है जहाँ पर भक्तजन कोई भी खाने चीज़ें, पीने की चीज़ों का व्रत रखते हैं, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए रखते हैं। कोई भी चीज़ को हम छोड़ते हैं, खाते नहीं हैं, उसको व्रत रखना कहा जाता है। दूसरा है व्रत लेना। व्रत लेना उसको कहा जाता है आत्मा की कोई भी कमी कमजोरी, कोई भी बुरे संस्कार स्वभाव, वो हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में ना आए, उसके लिए प्रतिज्ञा जो करते हैं उसको कहा जाता है व्रत लेना। तो आज के स्लोगन में बाबा ने यही कहा है कि व्रत लेने उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है और दृढ़ संकल्प रखना को ही व्रत लेना कहा जाता है। तो दृढ़ता की शक्ति यानी संकल्पों में दृढ़ता दोनों ही व्रत लेने और व्रत रखने में बहुत अवश्य ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों में ही दृढ़ता की शक्ति यानी एकाग्रता की शक्ति चाहिए। दृढ़ता माना ही है जहाँ पर संकल्प की शक्ति दृढ़ हो। संकल्प की शक्ति दृढ़ तब होगी जब संकल्पों में एकाग्रता हो, विस्तार से हम सार में आए। दृढ़ता तब हम समाप्त होता है जब हम एक चीज़ को छोड़ करके, जो महत्वपूर्ण चीज़, जो चीज़ हमने व्रत रखी है, व्रत ली है, उस बात पर इम्पोर्टेंस ख़त्म कर अन्य विस्तार की बातों में जब हमारे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है तो वो व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है। और इसीलिए दुनिया में भी, भक्ति मार्ग में भी, जहाँ पर व्रत टूटता है तो उसको महापाप माना जाता है। व्रत खंडन हो जाना उसको अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए जो अच्छे पहुँचे हुए भगत कभी भी अपने व्रत को तोड़ते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिस तरह से अच्छे भगत व्रत को नहीं तोड़ते, यानी अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से, एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से अपने व्रत को संपन्न करते हैं, अखंड बनाते हैं, ऐसे ही हम तो उन आत्माओं के इष्ट हैं। हमें अपने हर संकल्प की शक्ति को एकाग्र बनाए और उस एकाग्रता की शक्ति द्वारा दृढ़ बना करके जो भी हमने व्रत लिया है यानी प्रतिज्ञा की है, उन प्रतिज्ञा को अखंड बनाएं, तभी हम कह सकते हैं दृढ़ संकल्पधारी। ओम शांति।